जय श्री राम, जय बगाज माता। आज हम सब भक्तजन दर्शन करने वाले हैं बगाज माता धाम के, और आप देख सकते हैं बगाज माता धाम। आज नवमी के दिन यहाँ हजारों की संख्या में भक्त जवारे विसर्जित करते हैं। बगाज माता धाम पर अष्टमी, नवमी और दसवीं को भारी संख्या में लगातार तीनों दिन जवारे विसर्जित करते हैं, दर्शन पाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, झंडा इत्यादि चढ़ाते हैं, सभी भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं। आप यहां देख सकते हैं भक्तों की संख्या, अभी तो थोड़ी कम लग सकती है। अभी दोपहर का 1 बजा हुआ है, लेकिन सुबह से सारे रास्ते भक्तों की संख्या से भरे रहते हैं। जय बगाज माता। आप यहां देख सकते हैं हजारों की संख्या में जवारे विसर्जित हुए हैं। दोस्तों, यह घंटा बगाज माता धाम का सबसे प्रचलित माना जाता है। इसके नीचे से गुजरने से सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। आप यहाँ भक्तों को देख सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं बगाज माता धाम की। जय बगाज माता। अब आप सभी भक्तजन दर्शन कर सकते हैं। यहाँ विराजी हैं हमारी बगाज माता। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से खप्पड़ विसर्जित होने आया है, यहाँ पर आप स्वयं ही देख सकते हैं। जय बगाज माता। बगाज माता की महिमा बहुत निराली है। बहुत दूर दूर से भक्त जवारे विसर्जित करने आते हैं। 9 दिन तक भक्त माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, फिर जवारे विसर्जित करने बगाज माता धाम आते हैं। यहाँ आप कोई भी खाली जगह नहीं देख सकते। आप जहाँ देखेंगे वहीं जवारे ही जवारे देखेंगे। आप यहाँ एक बार ज़रूर आएं। ठंडियों की नवदुर्गा में अष्टमी, नवमी और दसवीं को कभी भी आ सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर दर्शन पाने के लिए, क्योंकि बगाज माता की महिमा बहुत ही निराली है। तो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर कहें आपको वीडियो कैसी लगी। जय बगाज माता।